शाहपुर के आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश के आह्वान पर 28 अगस्त को ब्लॉक शाहपुर जिला बैतूल में अतिथि शिक्षकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख रूप से आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के जिला उपाध्यक्ष अमित तिवारी ने आगामी रणनीति पर अपने अपने विचार व्यक्त किए और सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन बैतूल में तिरंगा रैली और चेतावनी रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिले के सभी अतिथि शिक्षक शिक्षिका उपस्थित होंगे और 10 सितंबर तक का सरकार को अल्टीमेटम दिया जाएगा। यदि 10 सितंबर तक सरकार अतिथि शिक्षकों की मांगें पूरी नहीं करती है तो 10 सितंबर के बाद कभी भी अतिथि शिक्षकों का भोपाल में बड़ा आंदोलन हो सकता है। बैठक में अतिथि शिक्षक प्रेमलाल भंडारे, दीपक राज उपराले, शांतनु मिश्रा, आशीष फुलवांदे, कृष्णकांत मालवी, बाबूलाल चौहान, अनिल बागमारे, नवीन मिश्रा, आदित्य ठाकुर, नितिन कुमार वर्मा, राधेश्याम बकोरिया, महिला अतिथि शिक्षकों में मीना वर्मा, अनीता धोटे के समेत कई शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद थे। शाहपुर से संजय जगताप की रिपोर्ट। के अलावा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ शोषण के अलावा। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और उसी को देखते हुए हमारे आजाद अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री केसी पवार जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में हर जिलों पर आज बैठक का आयोजन किया गया, ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगे की रणनीति यह है कि 5 सितंबर को हर जिले में तिरंगा रैली और चेतावनी रैली के रूप में निकालने का निर्णय लिया गया था। इसी के तहत आज की बैठक का आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसमें हमने सभी अतिथि साथियों से निवेदन किया था कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पहुँचे, पर हो सकता है कि वो लोग अपने हक के लिए भी जागरूक नहीं हैं, पर हमारा कर्तव्य है कि हमको उन्हें जागरूक करना है। तो हम लोग अधिक से अधिक संख्या में आने वाली बैठकों में उपलब्ध हों और 5 सितंबर को जो बैतूल में रैली निकाली जाएगी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने का कष्ट करें। दूसरा मूलभूत मुद्दा एक और है कि हम अतिथि शिक्षक के रूप में अपने स्कूलों में जो सेवाएं दे रहे हैं। आज की जो आज बैठक वगैरह हुई है आपके क्षेत्र में? आज हमारे शाहपुर ब्लॉक में अतिथि शिक्षक आज़ाद अतिथि शिक्षक संघ की बैठक हुई, जिसमें आगामी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर एक रैली का, तिरंगा रैली का आयोजन करने का बैठक में चर्चा हुई और सभी लोगों ने उसमें सहयोग करने का किया है। हमारी मूल मांग जो है वो है नियमितीकरण, उसको लेकर आज 15 सालों से जो अतिथि लगा हुआ है उसके लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं और वहाँ पर तिरंगा रैली निकालेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए वहाँ पर निवेदन रहेगा कि हम लोगों की मांग को पूरी की जाए। केवल नियमितीकरण आपकी मांग है? जी, नियमितीकरण हमारी मांग है। आपका नाम? अमित तिवारी, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ आजाद अतिथि शिक्षक संघ बैतूल।